अब मेरे को जानकारी ये है, जैसे उठा के लाए हैं वहाँ पे रखे हैं किचन रूम जो नया बना है, उसमें उठा के लाए हैं, मैं तो रूम पे था। हाँ बस वही है। अच्छा, फिर आपको आपने आके देखा यहाँ पे कि छज्जा गिरा हुआ है। हाँ, जैसे फिर 108 को 112 को फोन किए हैं, तत्काल में गाड़ी आ गई है। अच्छा अच्छा, हाँ दोनों गाड़ी आ गई। काम चलने के दौरान छज्जा गिरा है? हाँ, निर्माण के दौरान छज्जा गिरा है। हाँ, उसके कहाँ कहाँ चोट आई है वो मजदूर के? अब ये यहाँ जैसे घुटना पे आया है, और फिर अंदर का जैसे कमर पे, उसको अंदर का बात मैं नहीं जान सकता। ठीक 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 भैया, जो भी देखा हूँ है ना, जैसे फिर ये आ गया, फिर ये तो खुद साथ में रहा, ये मुंशी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंशी जी हैं ये? हाँ मुंशी जी। अच्छा अच्छा, प्रदेश में जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, निश्चित तौर पर कार्यों की गुणवत्ता तो रही नहीं है, और लगातार शिकायतों के बाद भी सुधार कार्य आज तक नहीं हो पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी जाँच का विषय है, और जाँच करना चाहिए, और पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो निर्माण इस 3-2 सालों में पता नहीं छत्तीसगढ़ का क्या भविष्य होगा। प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, तत्काल फौरी तौर पर उसको राहत पहुंचाना चाहिए, और उस परिवार को भी राहत देना चाहिए। नेचर के में हमारा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका समापन की स्थिति में है। तो उस निर्माण कार्य के दौरान उनको रिपेयर करने बुलाया गया था, जिसमें वो ऊपर चढ़ गए थे, जिसमें सपोर्ट उतना नहीं था जितना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये घटना हुई है, और उनके पैर और कमर पे चोट आई है। तो उनको गोरेला लेके लाया गया हमारे स्टाफ द्वारा, और साथ ही जो भी हमारे तरफ मदद है हमारे तरफ की जा रही है, अभी उनको बिलासपुर रेफ़र किया गया है, और हर संभव मदद किया जाएगा। बाकी घटना कैसे भी उसका थोड़ा जांच कराया जाएगा, कि हमारी कोई लापरवाही स्टाफ की लापरवाही तो नहीं होगी।